नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे हैं। पिछले साल के अंत में हुई बारिश के बाद से ही पारा लगातार लुढ़कता चला जा रहा है। आज भी राज्य के सभी हिस्सों में कपकपाती ठंड के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से कनकनी से राहत मिलेगी और न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक सप्ताह तक इस ठंड से निजात नहीं मिलेगी। अगर राजधानी पटना की बात करें तो मंगलवार सुबह यहां का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इसके चलते जिले में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती ठंड के बीच अब बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक के लिए रद्द करने को कहा है। इसके साथ ही उच्च विद्यालयों में भी क्लासेस के समय में बदलाव किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यानी अब मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण सर्दियों की छुट्टी के खत्म होते ही एक बार फिर से पहली से आठवीं तक की कक्षाएं बंद हो जाएंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दूसरी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर आने वाले एक से दो दिन में देखने को मिल सकता है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ का असर 6 से 8 जनवरी तक देश के मैदानी इलाकों में पहुंचने के आसार है। पिछले साल के अंत में बिहार के कई जिलों में बारिश हुई थी। बारिश के होने से पहले तक राज्य में ठंड का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन बारिश के बाद से ही लगातार राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए साल का स्वागत भी लोगों ने ठिठुरन भरी सर्दी के साथ ही किया था और लगातार 4 से 5 दिनों से ही राज्य में ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले सप्ताह तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।